हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई ट्यूशन। शिक्षा एक सुंदर भविष्य पाई आज लाइव क्लास को मुझे समस्त को स्वागत करुच्ची। पिला आज आम तुम व्यावसायिक गणितर जीवनधारण मूल्य सूची विषय में जाना। ता पूर्व कौन मूल्य जीवनधारण मूल्य सूची ता विषय चल जाने पाने जीवनधारण मूल्य सूची बा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का कही था कौन सी आमर मन कर गला वर्ष आम कौन सी दाम किसी रेट थी ता नेक्स्ट वर्ष आमर जमी एबे आमर पेट्रोल रेट बढ़ला तेल रेट बढ़ला से सब तेल सब जिनसर आमर कौन जिनिषपतर दाम दाम दर आम दिनक दिन बढ़ी बढ़ी चलती। तालोले आम से हिसाब करने को कौन कही था जीवनधारण मूल्य सूची हिसाब करवा बोली मैंने जिनिषपतर दरदाम सह आम समस्ते परिचित होना ना विभिन्न कारण दिनक दिन जिनिषपतर दाम वृद्धि घटू फल प्रत्येक नागरिक जीवनधारण व्यवहार बढ़ी बढ़ी चलती। जेपरिक पेट्रोल है तेल है सब खाइवा तेल रिफाइन तेल सोरस तेल डाली चाउल सब रेट बढ़ी बढ़ी चलू। तेणु एक समय परवर्त समय को विभिन्न व्यवहार्य जिनसर दर वृद्धि विचार को नहीं जीवनधारण व्यवहार केते वृद्धि है ता निर्णय करने आवश्यक अच्छी। ठीक अच्छे तेल यही व्यवहार वृद्धि को एक सूचकांक द्वारा प्रकाश कराए तेल पे सूचकांक सूचकांक जरिए साधारणतः एक निर्धारित समय मध्य नीति व्यवहार्य सामग्री तथा कृषिजात पदार्थ शिल्पजात द्रव्य इत्यादि दर ह्रास वृद्धि सूचाई देता है। तेल सूचकांक आम तीन प्रकार होता है। ठीक अच्छे मूल्य सूचकांक परिमाणात्मक सूचकांक जीवनधारण मूल्य सूचकांक यही अध्याय आम केवल जीवनधारण मूल्य सूचकांक विषय में पढ़ा। ठीक अच्छे तेल चलो जाना गोटे तुम्हें जब एग्जाम्पल नहीं जावा तुम मैंने आराम से बुझीपर तेल पे मैंने जीवनधारण मूल्य सूचकांक व्यवहार मानने आम कौ कौ जिनस यूज करता मूल्य सूचकांक विभिन्न सामग्री गुड़िकर खुचुरा दर रे परिवर्तन सूचना देवास मूल वर्ष तुलन में सामग्री गुड़िकर महरग परिमाण बढ़ुची किंवा कमुची ता सूचेबारे साहय कैसे सरकार को दैनिक मजूरी बा आमर जो दैनिक मजूरी जो आमर जेपरी आगर कौन थिला आमर आगर थिला हाँ आमर 50 टंका 100 टंका हो जाता है किंतु दैनिक मजूरी 200 टंका 300 टंका न दिले दैनिक मजूरी मिलूना से परी वस्तुर निर्धारित मूल्य वस्तु उपर कर इत्यादि स्थिर करिवारे साहाज्य करिथाय आमर जीवनधारण मूल्य सूचकांक। सेहीपरि सरकारी कर्मचारियों पर महंगा भत्ता एवं वार्षिक बोनस प्रभृति स्थिर करेबारे साहाज्य करिथाय कौन जदि जिनिषपत्र दाम दरदाम बढ़ुची तेल आम कौन बोनस भी बढ़ा होना ना सेपरी कर्मचारी भत्ता भी बढ़िया कथा तो से नहीं जीवनधारण मूल्य सूचकांक एसबू को आमर हिसाब करने को आमको साहाज्य करिथाय। चलो उदाहरण गोटे देखा से तुम मैंने आराम से बुझीपार तेल पे मैंने उदाहरण देखा एक साधारण परिवार केतेक व्यवहार्य वस्तु निर्दिष्ट समय पर 2007 मसीह समुदाय खर्चर परिमाण थी 8200 टंका मैंने मसक राशन सामान से मैंने जब आणवे तेल 8200 टंका सरुला तेल 2017 को 2007 को आम कौन ना मूल वर्ष हिसाब से ना 2009 जीवनधारण मूल्य सूची निर्देश संख्या 140.50 पैसा 140.50 पैसा होता है। मानने से मैंने जदि 2007 8200 टंका खर्च करू थे 2009 मानने समस्त पैसा मिसिकी मूल सूची मानने 2009 रु 2007 को जदि हिसाब करवा 140.50 पैसा होता है। तेरे 2009 से ही परिमाण व्यवहार्य वस्तु पर खर्च परिमाण के स्थिर करवा पे मैंने जीवनधारण मूल्य सूचकांक 2009 समुदाय खर्चर परिमाण विभक्त 2007 खर्चर परिमाण मैंने 2007 के 8200 टंका थिला ताहले आमको 2009 समुदाय खर्चर परिमाण के स्थिर करने को कह जाइए इंटू 100 आम जब करदे आमर कौन यह आमर फर्मूला जीवनधारण मूल्य सूचकांक जब बाहर करार अच्छी तेल आम प्रथम माने चलित वर्ष विभक्त मूल वर्ष गुणन 100 करदे जदि आमर आसीज मूल्य जीवनधारण मूल्य सूचकांक जीवनधारण मूल्य सूचकांक आमको देदेज अलरेडी 140.50 पैसा कहीकि 2009 समुदाय खर्चर परिमाण आम जाणिने 2007 समुदाय खर्चर परिमाण कि 8200 टंका गुणन 100 ताल आम 2009 जदि आम बाहर करवा 8000 ये जब शून शून कटिगला पे 82 आमर कौन सेपट सैड को जा
मल्टीप्लाइड होपटे कौन हरण अच्छे सेपटे जाइले गुणन ताहले हमारे 12,013 टाँह है 12,013 टाँह है 2009 समुदाय खर्चर परिमाण बुझेगा ताहले यहीपर भाव में आम बाहर करें निजे भी ट्राए कर आम जदि 2009 आमर ये जदि 2009 के आसला 12,013 टाँह विभक्त 2007 के 8,200 टाँह गुणन गुणन के गुणन 100 गुणन 100 ताहले सुन सुन जदि आम काटिद या सहित विभक्त करमर से ही 144.50 आमर मिल बुझला से आम जब बाहर करवा सेपरी आमर जदि उदाहरण दुई देखा पिला माने आमर गोटे बा आमर गोटे टेबुल दि जाइए ठीक अच्छे टेबुल दि जाइए टेबुल कौन दि जाइए टेबुल आमर निम्नस्थ सारणी 2000 मसीह आरंभ में विभिन्न वस्तुर दाम 2000 मसीह मान आरंभ में विभिन्न वस्तुर दाम और 2009 आरंभ में विभिन्न वस्तुर दाम से ही वर्षर वस्तुगुड़िक केते परिमाण में व्यवहार करा जाए ता दिया जाए ठीक अच्छे ताहले 2000 मसीह को आम जब मूल मस ने मूल वर्ष नहीं जावा और 2009 को आम कौन नहीं जावा आम मसीहा मान 2009 को आम चलित वर्ष बोली ने ताहले जीवनधारण मूल्य सूचक 2000 रु 2009 मध्य केते टंका आमर दरदाम वृद्धि घटी सेटा मूल्य जीवन मूल्य सूचकांक रु आम जाणि पकेबा ठीक अच्छे ताहले आमर एटा टेबुल तुमको दिया जाइथिबा वस्तुर नाम चाउल माने 40 केजी 6 टंका हिसाब से 2000 टंका 2000 मसीह आमर गोटे किलोर दाम 6 टंका हिसाब से समय नौले 2009 कौन है पिला मैंने 12,000 टंका हिसाब से समय ने पैसा सेपरी खाइबा तेल 5 लिटर को 5 लिटर परिमाण से माने यूज करते 32 टंका गोटे लिटर दाम थी 32 टंका 2009 कि कौन है 60 टंका है चीनी दर दाम के मानने 16 टंका गोटे किलोर दाम 16 टंका तो 7 किलो व्यवहार होता 2009 के 35 टंका होगा सेपरी क्षीर 15 टंका मानने लिटर आमर लिटर 6 टंका 15 लिटर आमर यूज होता से 2009 बढ़ला 10 टंका से मैंने बढ़ेले से मांस 4 किलो मानने गोटे किलोर दाम आमर के 120 टंका से 2009 गोटे किलोर दाम है 200 टंका ठीक अच्छे ताहले ताको समाधान करिबा आमे गोटे कौन करिबा आमे गोटे निजे भी आमे गोटे कौन टेबुल तैयारी करिबा ताहले पिले माने निजे जदि गोटे टेबुल तैयारी करिबा वस्तुर नाम आमे चाउल को डब्लू नै माने जति हमर परिमाण थिला डब्लू नै गेले हमर जति कि दाम थिला एकक प्रति दाम हमको आमे P0 नै गेले ताहले डब्लू इंटू 40 किलो को 6 टंका हिसाब रे केते टंका हबो 240 टंका हबो सेहि परि हमर 2009 मसीह रा दाम को आमे P1 नै गेले सेहि परि 40 किलो को हमर जदि 12 टंका हिसाब रे केते टंका हबो 480 टंका हबो सेहि परि आमर खाइबा तेल 5 लिटर 5 लिटर हिसाब रे 32 टंका जदि आमर एक माने 1 लिटर दाम जदि 35 टंका हैला ताहले 5 लिटर दाम हैला 160 टंका सेपरी जदि 1 लिटर दाम हैला 60 टंका सेपरी 5 लिटर दाम हे के 300 टंका सेपरी चीनी रो दाम केते थिला पिला माने 7 किलो चीनी रो दाम थिला 16 टंका 2009 2000 मसीहारे ताहले 7 किलो चीनी रो दाम हे 112 टंका सेपरी 35 किलो जदि 35 टंका गोटे किलो चीनी रो दाम हैला ताहले 7 किलो चीनी रो दाम हे 245 टंका सेपरी 2000 मसीह 6 टंका थिला गोटे लिटर क्षीर दाम से 15 लिटर क्षीर दाम के 90 टंका से 10 टंका जदि रमर कौन 10 टंका जदि आमर है गोटे लिटर क्षीर दाम से 15 लिटर क्षीर दाम के 150 टंका मना ना से गोटे किलो मांसर दाम के 120 टंका 4 किलो मांसर दाम के 480 टंका से 200 टंका जदि मांसर किलो है तेज़े 4 किलोर दाम हो गला 800 टंका ताहले आमर मोट टोटल जदि आम बाहर करवा समस्त जोग करवा ताहले आम एपरी चिन्ह दे था समस्त मिशाण चिन्ह यहीपर भाव में दि जाए ठीक अच्छे ताको तो आम देखि बुक आम समस्त जदि जोग करवा आमर 2000 मसीह आमर 1,082 टंका खर्च हो सहीपरी 2009 मसीह के टाँचा समुदाय खर्च हो 1,975 टंका ताहले जीवनधारण मूल्य सूचकांक जदि बाहर करिबा आमर चलित वर्ष विभक्तक मूल वर्ष गुणन 100 करथौ
ତାହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଣନ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଆମର 1975 ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତ କ 1000 82 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 100 ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ବାହାରୁଛି 182 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ବା 50 ପଇସା ବାହାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିଥାଉ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆମେ ବାହାର କରିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଦାହରଣ 3 କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ମାନେ 15 ମାନେ ଆମ ପରିମାଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗହମ ଚିନି ଚାଉଳ ଚା ଡାଲିର ତାହେଲେ 2000 କିଲୋ ପ୍ରତି କେତେ ଥିଲା 2004 କିଲୋ ପ୍ରତି କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ବାହାର କରିବା ଗହମ 15 କିଲୋ ଆମକୁ ଦରକାର ପରିମାଣ ଆମର 15 କିଲୋ ଅଛି 2000 କିଲୋ ପ୍ରତି ଟଙ୍କା ଥିଲା କେତେ 6 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ମାନେ ଆମର 15 କିଲୋ ମାନେ ଆମକୁ 6 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 15 କିଲୋ ଦରକାର ତାହେଲେ 90 ଟଙ୍କା ହେଲା 2000 ଆମର କ'ଣ ଆମର ଗହମର ଦାମ ସେହିପରି 8.50 ହେଲା 2004 ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା 15 କିଲୋକୁ 127.50 ହେଲା ସେହିପରି ଚିନି ଆମର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଥିଲା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ଥିଲା 12.50 ସେହିପରି 12.50 5 କିଲୋ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 62.50 ସେହିପରି 15 କିଲୋ ମାନେ କିଲୋ ପ୍ରତି ଯଦି 15 ଟଙ୍କା ହେଲା 15 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ହେବ 75 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେହିପରି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେହିପରି ଚାଉଳ ଚାଉଳ କିଲୋକୁ 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହେଲେ ମାନେ ସରି କିଲୋ କିଲୋକୁ ଚାଉଳ କିଲୋ 18 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ 7 କିଲୋ ଚାଉଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 126 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେହିପରି 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଲା 2004 ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଲେ 7 ଆମର 7 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାନେ ଚାଉଳର ଦାମ କେତେ ହେବ 140 ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଆମର ତାପରେ ଚା'ର ଦାମ ଥିଲା ମାନେ 85 ଟଙ୍କା ମାନେ 50 ଗ୍ରାମକୁ 85 ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଯଦି ଆମକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ସରି ଏକ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 85 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆମକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 42 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ସେହିପରି ତାପରେ 90 ଟଙ୍କା ହେଲା କିଲୋ ପିଛା ଠିକ୍ ଅଛି କିଲୋ ପିଛା ଆମର 90 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ 50 ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ହେଇଯିବ 45 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଆମର ବାଇ ମାନେ ଆମର ଡାଲିର ଦାମ 22 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା 2000 ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ବା 2.5 କିଲୋ ଆମକୁ କ'ଣ ଡାଲି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମର ସମୁଦାୟ 2.5 କିଲୋ ଡାଲିର ଦାମ କେତେ ହେବ 55 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଆମର 2004 ଆମର 25 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଡାଲିର ଦାମ ତାହେଲେ 2.5 କିଲୋ ଡାଲିର ଦାମ କେତେ ହେବ 62.50 ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ସମୁଦାୟ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ସମୁଦାୟ ଆମର ବାହାରୁଛି 376 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ସମୁଦାୟ କେତେ ବାହାରୁଛି 450 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 2000 ଆମେ ମୂଳ ବର୍ଷ ନେଇଛେ 2004 ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେଇଛେ ତାହେଲେ 2004 ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବିଭକ୍ତ କ 2000 ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଗୁଣନ 100 କରିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ 450 ବିଭକ୍ତ କ 376 ଗୁଣନ 100 ସମାନ କେତେ ଆସିଲା 119.7 ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ 119.7 ହେଇଗଲା ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନିଜେ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 2000 125 ଟଙ୍କା ଥିଲା 2000 ଆମେ କ'ଣ ମୂଳ ବର୍ଷ ନେଇଯିବା ମୂଳ ବର୍ଷ ହେଲା 2000 ଦାମ କେତେ ଥିଲା 125 ଟଙ୍କା 2009 ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 250 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 250 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି 250 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 2009 ନେଲେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 250 ଟଙ୍କା ତେବେ 2009 ଜୀବନ ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ କିପରି ବାହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୂଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ବର୍ଷ ଗୁଣନ 100 କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2009 ବିଭକ୍ତକ କ'ଣ 2000
ଗୁଣନ 100 ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ 2009 ମସିହାରେ କେତେ ଥିଲା? 250 ଟଙ୍କା, କେତେ ହେଲା 250? 2000ରେ କେତେ ଥିଲା? 125 ଗୁଣନ ଆମେ 100 କରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 25 ଚଉ 100, 25 ପଞ୍ଚା 125, ତାହେଲେ 5 ପଞ୍ଚା 25 ଶୂନ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର 200 ଟଙ୍କା। ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଜୀବନଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ କେତେ ହେଇଗଲା 200 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କର ତ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମେ 8D ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଜୀବନଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାହାର କରିଥାଉ।